दर्द गरीबी ने भी दिया है तुम्हें जी। क्या सीखी हो उससे? ये सीखे हैं कि गरीब लोग कैसे अपना गुजारा करते हैं, बड़े लोग छोटे लोग की कुछ नहीं बोलते। पिता के लिए दो शब्द बोलना चाहोगे? क्या बोले? बोलो। सुनो, पिता तुम्हारे खुश है? बहुत खुश। अब पिता का नाम आते ही रोने क्यों लगे? बहुत दुख झेले हम सब। ए राजा कहियो माहुर खाके मर जाए। ए राजा कहियो माहुर खाके मर जाए। पियल ना छोड़ बता कुछ कर जाए। पियल ना छोड़ बता कुछ कर जाए। समय लग रहा है क्योंकि खुद से बना रहा हूँ। मेरी किस्मत बनी बनाई नहीं मिली है साहब। इसकी भी किस्मत बनी बनाई नहीं मिली थी, लेकिन ये किस्मत इस समय खुद अपना बना रही है। इसी को लेकर इस समय हम लोग प्रिया सुहानी के पास पहुंचे हुए हैं। ये गाना गोपाल राय के द्वारा गाया गया था 1998 में। ए राजा कहियो माहुर खाके। बीच में खेसारी लाल के द्वारा गाया गया, उस समय उतना वायरल नहीं हुआ था, लेकिन प्रिया सुहानी उस गाने पर जब डांस की है लचकाकर अपनी कमर, तो इस समय सोशल मीडिया पर धमाल मचाई हुई है। इंस्टाग्राम हम चला रहे थे, ठीक ना, तो खेसारी जी का गाना है। हाँ, खेसारी का नहीं, गोपाल राय का वो गाना है। खेसारी लाल उस पर गाए थे, बीच में कभी दुगुल्ला में गाया जाता है, वैसे ही वो भी वायरल हुआ था। तुम्हारा इस समय जब कमर लचका कर उस पर डांस की हो, तो इस समय और ज्यादा वायरल हो गया है। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। ये गाना कहाँ से मिल गया तुम्हें? इंस्टाग्राम चला रहे थे। हाँ, तो ये गाना आया, सोचे कि हमको बहुत अच्छा भी लगता था ये गाना। हाँ, सोचे ये गाना पर रील बना लेते हैं। अच्छा, तो हाँ, साड़ी पहन के हम रील बना लिए। अच्छा, कमर लचका कर ये डांस करना कहाँ सीखी हो? खुद सीखे। खुद जी। और पहले क्या करते थे? पहले वही दुगुल्ला में काम करते थे। दुगुल्ला में किस किस ब्याज के साथ डांस की होगा? कोई भी रहो, कोई भी हो। हाँ। अभी तो कौन कौन बड़ा कोई मिला है? नहीं अभी, छोटे छोटे दुगुल्ला प्रोग्राम। हाँ। में उसमें डांस करते छोटा छोटा मिला है। हाँ। और कोई गुरु होगा ना, इतना कमर अच्छा लचका रही, ऊपर का बॉडी थोड़ा भी नहीं हिल रहा है, कमर तुम्हारा म्यूजिक दे रहा है जैसे। एक सतीश जी हैं जो हमको रख ले हैं बख्तियारपुर में। हाँ। आज कुछ भी है तो उन सबको और दीदी को वजह से, वो दोनों मिलकर हमको इतना सपोर्ट किया है और तब हम इतना आ गए हैं। दीदी का क्या नाम है? सपना सुहानी। सपना सुहानी वो क्या करती है? वो सिंगर है। सिंगर है जी। वही सपोर्ट की है तो इस समय आगे आई हूँ जी। पापा तो अभी टेम्पू चला रहे हैं, मम्मी घर बैठे हैं। स्थिति सही नहीं है परिवार? नहीं, पिता ड्राइविंग करते हैं, टेम्पू चलाते हैं। हाँ। परेशानी ज्यादा थी इसीलिए। हाँ। क्यों निकल गई बाहर? क्या करे, मजबूरी था तो दीदी लेके चल रहे हैं। क्या हुआ? मजबूरी था दीदी लेके चल रहे हैं। क्या मजबूरी था? कि कुछ घर में खाने होने के नहीं था। हाँ। कुछ खाने होने के घर में नहीं था तो दीदी मेरे काम करके सबको खिलाते थे। तो यहाँ पर आए थे मेरे दीदी गाना निकालने के लिए, तो देखे बहुत लड़के लोग डांस कर रहे हैं दुगोला में, तो सोची कि इनको भी ले चलते हैं, अच्छा है, कलाकारी है, तो हमको लेकर आया। तो यहाँ पर हम दुगोला में एक साल काम किए, तो काम करते करते तो एक मोबाइल खरीदे मेरे दीदी, 3 महीना हो गया है तो मोबाइल लिए ना, तो वही ये सब 3 महीना सील बनाने शुरू कर दिए। मंजिल पाने की चाहत अगर दिल से होती है तो मंजिल घींची चली आती है। यहाँ पर गरीबी ने इसे मंजिल पाने की चाहत अंदर से जगा दिया। इस समय देख सकते हैं प्रिया सुहानी जो है सोशल मीडिया पर हर प्लेटफार्म पर इस समय जबरदस्त वायरल है। इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या फेसबुक हो, कोई भी हो, इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है। कौन सा गाना पर वायरल हुई? ए राजा कहियो माहुर खाके मर जाए। हाँ। पियल ना छोड़वा तक कुछ हम कर जाए। सकते हैं कमर की लचक यहाँ पर देख सकते हैं, जहरीला लचक है जो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इसी लचक के पीछे इस समय युवा दल है जो दीवाना हो गया है सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर। इस समय काफी ज्यादा इसका डांस कमर लचकाना वायरल है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। बहुत खुशी हो रहा है। खुशी हो रहा है। हाँ, आप सब ऐसी जैसे वीडियो सपोर्ट किए हैं और वीडियो बना रहे हैं, वैसे आप सब सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद बाबू। किसको देना चाहती हो? सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हो, किसको देना चाहती हो? सतीश जी को और दीदी को। दीदी को? हाँ। और जो देख रहा है जनता उसको नहीं दोगी? हाँ, सभी को। हाँ। पहले ग्रोथ मेरे वही ना हुआ है। हाँ। हमको उतना ज्ञान वहाँ दे। आप सबको भी धन्यवाद है, हमको इतना सपोर्ट किए हैं। इतने दिन का मेहनत है तुम्हारा? 1 साल का। 1 साल का जी। 1 साल का मेहनत इस समय रंग लाया है। हाँ। मजा आ रहा है? बहुत अच्छा। कमेंट कैसा आ रहा है? बहुत
सर आता है आई लव यू क्या अच्छा? हमारे साथ काम करेगी प्रिया, ऐसी कुछ कुछ ऐसे रहता है, लेकिन हम किसी को रिप्लाई नहीं देते हैं। आई लव यू का रिप्लाई नहीं देती हो? नहीं किसी। आई लव यू का मतलब आई लव यू टू? नहीं नहीं ज्यादा से नहीं। कोई प्यारा लड़का है दिल में? नहीं कुछ अभी कुछ नहीं। हमको किसी भी लड़का से अभी चाहत पैदा नहीं हुआ? नहीं। माता पिता से की होगी? नहीं। हम माता पिता सभी पिता के लिए दो शब्द बोलना चाहोगी? क्या बोलना? बोलो सुनो। पिता तुम्हारे खुश है? बहुत खुश। अब पिता का नाम आते ही रोने क्यों लगे? बहुत दुख झेले हम सब। जो दुख देखता है वही समाज में जीना सीखता है, गरीबी आदमी को जीना सिखाता है। हाँ क्या क्या सीखी हो अपने जिंदगी से? बहुत कुछ सीख लिया। क्या दर्द गरीबी ने भी दिया है तुम्हें? जी। क्या सीखी हो उससे? ये सीखे हैं कि गरीब लोग कैसे अपना गुजारा करते हैं, बड़े लोग छोटे लोग कुछ नहीं बूझते हैं। कुछ नहीं बूझते जी। वायरल हो जाने के बाद वही पीछे दौड़ते हैं जी। अच्छा इस कौन सा स्टूडियो से तुम आगे बढ़ी हो? ये अभिराज स्टूडियो है। अभिराज स्टूडियो के बारे में क्या कहना चाहती हो? उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरे दीदी यहीं पर रहते हैं। दीदी लेकर यहाँ? हाँ दीदी। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। फिर उस गरीबी में जाना चाहती हो या नहीं? डर लगता है जाने से जी। कहीं सपना टूट ना जाए। सपना क्या है? सपना यही है कि खेसारी जी के साथ काम करें। खेसारी के साथ काम करूं, बॉलीवुड एक्ट्रेस बनूं, हीरोइन बनूं। हाँ। बन जाओगी? काबिलियत है? हाँ। हुनर है? हुनर है। और क्या क्या जानती हो? और क्या बाबू एक मिनट, और क्या क्या जानती हो? डांस जानती है? और क्या जानती है? बहुत कुछ डांस जानते हैं। बहुत एक्टिंग भी जानते हैं? हाँ एक्टिंग भी जानते हैं। चलिए आप लोग भी यहाँ पर प्रिया सोहानी का मदद कीजिए और सोशल मीडिया पर इस समय वायरल है, आप और भी वायरल कीजिए कि यहाँ पर एक ड्राइवर की बेटी और गरीब की बेटी आगे बढ़ सके।